तीन ऑब्जर्वेशन जो थी वो गलत रिकॉर्ड की गई वो थी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन एंड एटीन फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इफ़ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर ओमिटड ठीक है तो आपको कह रहा है कि हमने जो डाटा लिया था उसमें मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन हमने निकाला ट्वेंटी और थ्री बट उसमें तीन ऑब्जर्वेशन गलत रिकॉर्ड की गई वो ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और एटीन थी ठीक है तो उस आपको कह रहा है वो तीनों ऑब्जर्वेशन आप निकाल के आप फिर से हमें करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड स्टैंडशन निकाल के बताइए ठीक है बेटा तो ये आपने जो क्वेश्चन फाइव किया था सेम वैसा ही है आपका फर्स्ट पार्ट है ना उसकी तरह ही है ये तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे तीन है ठीक है तो वैसे ही करेंगे हम ये क्वेश्चन क्लियर है तो स्टार्ट करिए बेटा सबसे पहले आप लिखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन आपको दिया गया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दी गई हैं वो आपको हंड्रेड मतलब एन दिया गया है आपको हंड्रेड ओके तो फिर आपको इनकरेक्ट uh, लिखेंगे आप क्योंकि अभी ये करेक्ट नहीं है इनकरेक्ट मीन आपको दिया गया है इन्हीं ऑब्जर्वेशन का ठीक है तो वो आपके पास है ट्वेंटी और दिया गया है सेम इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दी गई है वो है आपके पास थ्री ओके तो सबसे पहले हम जो मीन है वो करेक्ट करेंगे तो आप लिखेंगे मीन तो मीन का फॉर्मूला कहता है समीशन एक्स आई अपॉन एन ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास समीशन सॉरी एक्स बार आपको दिया गया है ट्वेंटी और समीशन एक्स आई आपको निकालना है क्लियर है बेटा एन आपको दिया गया है हंड्रेड ओके तो आप नेक्स्ट इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो टू थाउजेंड हो जाएगा आपके पास ये समीशन एक्स आई आ गया आपके पास ओके बेटा बट ये हमारे पास क्या आया इनकरेक्ट समीशन है ठीक है थीके? तो आप इसको करेक्ट करेंगे और इनकरेक्ट एक्स आई आपके पास है कितना टू थाउजेंड ओके तो आप लिखेंगे करेक्ट समीशन एक्स आई तो टू थाउजेंड में से आप तीनों जो वैल्यू है वो माइनस करेंगे ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और माइनस कितना था एटीन ठीक है तो आपके पास ये माइनस करके आ जाएगा बेटा नाइनटीन फोर्टी आ जाएगा क्लियर है यह आपके पास क्या आ गया करेक्ट एक्स आई आ गया ओके okay? तो करेक्ट एक्स आई आ गया अब आप करेक्ट क्या निकालेंगे मीन निकालेंगे करेक्ट मीन uh, आपको चाहिए ठीक है तो ये करेक्ट आप मीन निकाल लें बेटा मीन में आ जाएगा समीशन एक्स आई करेक्ट वाला और एन आ जाएगा ठीक है करेक्ट एक्स आई है आपके पास ये और ये कितना हो जाएगा टर्म तीन माइनस हो जाएंगे हंड्रेड में से तो नाइन्टी सेवन ठीक है तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगी अभी आपके पास वो कितनी होगी वो हो गया आपके पास नाइन्टी सेवन क्लियर है वो आप लिख लेंगे यहाँ पे तो आप इसको कटिंग करेंगे तो आपके पास ये अगेन ट्वेंटी आ जाएगा क्लियर है बेटा तो ये आपके पास आ गया अब नेक्स्ट आप निकालें स्टैंडर्ड एविएशन स्टैंडर्ड एवियेसन बट ये आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन आप देखिए क्या था समीशन एक्साई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर ठीक है तो ये वैल्यू तो आपको पता है मीन की वो आप डाल लेंगे बट यहाँ पे स्टैंडर्ड एवेशन आपको कितना दिया गया है थ्री दिया गया है और यहाँ पे बेटा आपको ये समीशन एक्साइज केयर आपको निकालना है एन आपको दिया गया है इसमें कितना है हंड्रेड है आपके पास ठीक है माइनस अभी आप जो इनकरेक्ट डाटा है वही ले रहे हैं सारा ये हंड्रेड है आपके पास और यहाँ पे बीस का ट्वेंटी uh, का स्केयर होगा क्योंकि मीन आपके पास कितना था ट्वेंटी था यहाँ पे फिर आप स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो थ्री थ्री जन नाइन हो जाएगा आपके पास स्केयर से ही स्केयर रूट कट हो जाएगा समीशन एक्साइज स्केयर आ जाएगा और नीचे आपके पास हंड्रेड और माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी कितना हो गया फोर हंड्रेड ओके तो ये फोर हंड्रेड इधर आके फोर हंड्रेड नाइन हो जाएगा और ये आला हंड्रेड यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है बेटा ओके तो ये इनकरेक्ट आपके पास क्या आ गया समीशन एक्साइज आ गया इनकरेक्ट समीशन एक्साइज स्क्वायर कितना आ गया फोर ज़ीरो नाइन ज़ीरो ज़ीरो तो आप करेक्ट समीशन एक्साइज स्क्वायर निकालेंगे ठीक है तो वो उसमें बेटा जो थ्री आपके पास टर्म थी उनको स्क्वायर करके आप माइनस करेंगे क्लियर है माइनस ट्वेंटी वन का स्क्वायर और माइनस एटीन का स्क्वायर ठीक है तो ये आप जब वैल्यू निकालेंगे सारी तो पहले आप इसको स्क्वायर कर लीजिए फोर फोर वन हो जाएगा फोर फोर वन हो जाएगा और थ्री टू फोर हो जाएगा आपको स्केयरस याद होने चाहिए सबके बेटा ठीक है तो थ्री नाइन सिक्स नाइन फोर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी अब नेक्स्ट आप जो करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन है वो निकालेंगे देयरफॉर करेक्ट uh, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा वो आप निकालेंगे क्या फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा यही ऊपर जो आपने लिखा है एक्स आई स्क्र बट करेक्ट वाला ठीक है तो आप इसमें क्या लिखेंगे करेक्ट और माइनस अब मीन आपका करेक्ट वाला कौन सा है वो ट्वेंटी का स्केयर है अगेन है ना तो आप इसमें वैल्यू डालेंगे आपके पास सबिशन एक्स आई कितना आया थ्री नाइन सिक्स नाइन फोर में नंबर uh, ऑफ टर्म्स कितनी है नाइन्टी सेवन है ना बेटा क्योंकि तीन आपके पास ये निकाल दिया आपने ओके और मेन आपका करेक्ट वाला यही है तो ये फोर हंड्रेड आ गया आपके पास फोर हंड्रेड ट्वेंटी है ना तो आप बेटा देख रहे हैं जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी फोर जीरो नाइन पॉइंट टू वन सिक्स और माइनस होगा ये फोर ज़ीरो ज़ीरो ओके तो जब आप इसमें से ये निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी नाइन पॉइंट टू वन सिक्स तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे थ्री पॉइंट जीरो थ्री सिक्स दास करेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन आ गई ओके okay? तो ये हमारे पास करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन आ गई तो आप लिखेंगे आप लिखेंगे बेटा देअ करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन आर ट्वेंटी एंड थ्री पॉइंट जीरो थ्री सिक्स ओके थैंक यू